क्या वहाँ पर एट्रोसिटीज नहीं होते, वहाँ के सवाल जवाब नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे कास्ट एट्रोसिटीज नहीं होती है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं यहाँ पर आए गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, सबसे ज़्यादा बाबा साहब को जिन्होंने जिताकर भेजा था उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई बांग्लादेश में, तो यहाँ पर आ गए बिना मोर्चे के, बिना खर्चे के, बिना लीडर के, बिना नेता के, सब लोग बिना बुलावे के सड़क पर उतर गए थे। बहुजन ध्रुवीकरण नहीं हुई है, आरक्षण को लेकर, निजी अधिकार को लेकर, उनका राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, उनका भागीदारी को लेकर, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर, ये जब इश्यूज बढ़ेगी तो बहुजन पोलराइजेशन होगा और आप देखेंगे हिंदू पोलराइजेशन डाउन हो जाएगा। 20 देश का संविधान बना और सब लोगों ने भारत के मूलभूत अधिकार को माना। जब नेल्सन मंडेला को भी पूछा गया, जिसका फोटो लगा हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसके संविधान को आप बेस मानते, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बेस मानेंगे। घर में अगर माँ सिखा कि फलाना मोहल्ले में मत जाना, फलाने गली में मत जाना, फलाना का बच्चा फलाना है, तू फलाना है, तो उसका मानसिकता क्या होगा? उनके बच्चे कहाँ पर सड़क पर दिखते नहीं है, उनको कैडराइजेशन नहीं होता, वो आके सड़क पे आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते नहीं, कैडराइज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सात फेरा लेते हैं और उनका बच्चा छोटा भीम देखता है। आप त्रिपुरा के लोग क्या दलित नहीं है कि बहुजन नहीं है वहां पर? वहां पे अभी सबसे बड़े जो क्वेश्चन है डाइवर्सिटी के, जहां बात हो रही है, जहां पे भोपाल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे 25 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं दिखते, एक्टिविस्ट क्यों नहीं, क्या वहां पर लोग नहीं है, क्या वहां पर एट्रोसिटीज नहीं होते, वहां के सवाल जवाब नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, वहां पे कास्ट एट्रोसिटीज नहीं होती है? होती है, मगर आज जो वक्त चला है कि जो डाइवर्सिटी को आगे लेकर हम जाएंगे, तो इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, उसको सबको समेटने की जरूरत है। तो आप लोग लगभग कितने राज्यों में डाइवर्सिटी का कार्यक्रम करते रहते हैं? देखिए, मैं आज AYDU2, आज आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर का हमें तब हुआ जब हम बताए कि भाई जो 3.5 करोड़ लोग हैं बांग्लादेश से, जिनको जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं यहाँ पर आए गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, सबसे ज़्यादा बाबा साहब को जिन्होंने जिताकर भेजा था उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई बांग्लादेश में, तो यहाँ पर आ गए। आपको पता होगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था बाबा साहब को जिताकर भेजने में। तो ये जब इशूज पर देखा कि मैं सुनिया, ये सुषमा स्वराज जी को भी इसके बारे में ब्रीफ किया, हमें मिसगाइड किया जाता है कि इतने लोगों को बेनिफिट होगा, उतने लोगों में, जिस तरह मंडल कमीशन को आंदोलन को गाइड किया गया, इस तरह से सिटीजनशिप एक्ट को भी कहीं ना कहीं मिसगाइड की गई। तो आप जब धीरे धीरे करके जागरूकता फैल रही है, बंगाल के लोग भी और साउथ इंडिया के लोग भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यापकता की ओर जा रहा है, जो कि हमने जो अप्रैल का जो महाआंदोलन था एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर, जो पूरे देश भर में बिना मोर्चे के, बिना खर्चे के, बिना लीडर के, बिना नेता के, सब लोग बिना बुलावे के सड़क पर उतर गए थे। कहीं ना कहीं शहर में तो इस चीज़ों को लेकर के दिखाई दे, जागरूक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गांव इतना डाइवर्सिटी तो इंग्लिश वर्ड है, मैं मानूंगा कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि कैडराइजेशन का कमी है। जिस तरह से आपका स्कूल ऑफ सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल ऑफ सिलेबस में वो चीज़ नहीं पढ़ाया जाता कि जहाँ से लोग भाईचारा के बारे में समझे। आप देखिए, बच्चों को नहीं पता है कि 7 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं फलाने के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब जो उद्देश्य के साथ वी द पीपुल का कंसेप्ट को लेकर, हम भारत के लोगों का कंसेप्ट को लेकर, जो हमारे पूर्वजों ने ये संविधान को लागू कराया, तब उस दिशा में जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे, जो इशू को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में तो अच्छा खासा बोला है शिक्षा मंत्री के तौर पर, मगर आगे चलकर जो कास्ट को ख़त्म था आर्टिकल 17 का, आप मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवोल्यूशन ऑफ कास्ट का होगा, आप अभी रिलीजन के धार्मिक उन्माद बढ़ी, इसीलिए बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं बहुजन पोलराइजेशन नहीं हुई है, बहुजन ध्रुवीकरण नहीं हुई है, आरक्षण को लेकर, निजी अधिकार को लेकर, उनका राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, उनका भागीदारी को लेकर, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर, ये जब इश्यूज बढ़ेगी तो बहुजन पोलराइजेशन होगा और आप देखेंगे हिंदू पोलराइजेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन सर, संविधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान को लेकर यही कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में आपका सत्यनारायण कथा हो सकती है, फलाना कथा हो सकती है, और रामचरित मानस का कथा हो सकती है, तो संविधान कथा क्यों नहीं हुए? आपने आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया कि संविधान क्या है? आपके घर में क्यों नहीं रखे संविधान? आप यहाँ पे पूछ लिया जाए किसके घर में संविधान है, बहुत सारे लोगों को 5% लोगों को हाथ नहीं ऊपर कर पाएंगे। किस पूछ लिया जाए कि आपने प्रीएम्बल को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। जहाँ से अधिकार मिले, बाप ने तो प्रॉपर्टी दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर आपने अधिकार दे दिया, लेकिन उसके बारे में आप संविधानिक अधिकार बारे में जन जागरूकता नहीं फैलाएंगे। आपको मिल गया आरक्षण, उसके बाद कुछ क्रीम खा लिए, आप हो गए सर। जंतर मंतर पे पत्तियां चलाई जाती जी, उसके बाद अभी जो फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन है विवेक देवरा के, जो बात मतलब है कि उनके पापा के पापा, उनके पापा के पापा मोदी हुए, उसके पापा अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी इस तरह से एक असंविधानिक काम करने का कोशिश किया गया था। भयंकर चलिया जस्टिस के उनके नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई थी संविधान को रिव्यू करने के लिए, मगर मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरे विफल रहा। तो दोबारा अगर कोशिश की गई तो फिर भी ये लोग असफल ही रहेंगे,
क्योंकि संविधानिक जो राष्ट्र जो बन रहा है, बगल अगल का देश देखिए, देश सभी भारत का संविधान लागू होने के बाद लगभग 20 देश का संविधान बना, 20 देश का संविधान बना और सब लोगों ने भारत के मूलभूत अधिकार को माना। जब नेल्सन मंडेला को भी पूछा गया जिसका फोटो लगा हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसके संविधान को आप बेस मानते, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बेस मानेंगे। अभी मुबेकी का स्पीच हुआ जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि हम भारत के संविधान को बेस मानते हैं। और बाबा साहब का जो 26 नवंबर का जो स्पीच था बाबा साहब का, उसको एज इट इज एज वर्बेटिम उन्होंने कोट करके बताया। और आज जितने जो चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन अनुपात के हिसाब से यहाँ पर केस हमारा और जज तुम्हारा नहीं चलेगा। लगातार ये सवाल क्यों उठते हैं संविधान को लेकर जी? कभी कभी उसको खत्म करने की बात कही जाती है, कभी कहते हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। संवैधानिक व्यवस्था से जितने लोग भी ईमानदारी से लाभान्वित हुए वो चुप हैं, वो गधे बन के घर में बैठे हुए हैं। इसी वजह से जिनको संविधान से खतरा है, जिसको समता स्वतंत्रता न्याय और भाईचारा से हक अधिकार के लिए खतरा है, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी आवाज उठाइए, ये क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी आवाज है, ये आवाज पूरे देश भर में गूंजेगी, ये आवाज जो गणतंत्र तक पहुंचेगी, ये आवाज जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगी। अब देखिए कि संवैधानिक राष्ट्र बनेगा, लेकिन उन आवाजों का क्या करेंगे जो लगातार इसको खत्म करने की कोशिश की? खत्म इसीलिए करने को कोशिश तो करेंगे, ये अधिकार, ये जो लड़ाई आज की नहीं है, बाबा साहब ने कोट किया है, ये अधिकार जो है ना ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म का बीच की लड़ाई है, ठीक है, और 1000 साल से चल रही है, आगे भी चल रहेगी, ये चलते रहेगी। लेकिन आप देखिए कि हम लोग ये दौर है 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में, ये पूरे ग्लोबलाइजेशन का ईरा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, सबको पता चल रहा है आपके जहन में क्या चल रहा है, सब पता चल रहा है। आप ताली मार के कहेंगे कि लोगों को कितने देर तक आप बरगला कर अंधविश्वास अंधकार में, सबको पता है हमने क्या कहा। अभी चंद्रयान का आपने लॉन्चिंग किया, आप बताइए धर्म क्या सिखाता था? हम चंद्र पर नहीं पहुँच सकते, ये धर्म का सिद्धांत है, और हम चंद्र पर पहुँचे के उसके छाती पर चंद्रयान का स्थापित करेंगे, ये विज्ञान कहता है, ये संवैधानिक अधिकार के तहत हुआ रहा। अब शेड्यूल कास्ट के दोनों थे ना चीफ मिनिस्टर, जो उनके जो चेयरमैन थे सचिन और आपकी क्या नाम है उनका, सोमनाथ जी, ये सारे लोग कौन थे? ये तो ये यही किससे पढ़ रहा है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ थे, झंडा जलाने वाले लोग नहीं, ये माफी वीर के बच्चे नहीं है, उनके रोगों में आपका जीवन सिंह, बाबा जीवन सिंह का खून हरि सिंह नलवा जिन्होंने अफगानिस्तान फतेह किया, ऐसे वीर सपूतों के लोग हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले के बच्चे हैं। तो 24 को लेकर बीजेपी के एक सांसद है, उनका बड़ा ऐलान आया, उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं भी बटन दबाओगे वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी जनजागरूकता की बात है, आई हैव पर्सनली अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, मेरा कहना है कि इफ द सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस, अगर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का हैक हो सकता है तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी हैक हो सकता है। आप बताइए मुझे LK आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? क्यों उन्होंने वहाँ पे कहा था कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है? संविधान हमें कहता है कि फ्री एंड फेयर वोट देता हूँ, पैसा नहीं देना पड़ता है, मगर फेयर कहाँ है यहाँ पर? मुझे संतुष्टि नहीं होती है, जैसे बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले बार गधे को दिया था, इस बार कुत्ते को देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती कि कुत्ते को वोट गया कि नहीं गया, फेकू को वोट गया कि, सपोज मैं फेकू का बहुत बड़ा फैन हूँ, फेकू को वोट था, इस बार मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि फेकू को वोट गया कि नहीं गया, गधे को गया कि नहीं गया, तड़ी पार को वोट गया कि नहीं गया। मैं गुजरात का नागरिक हूँ, ठीक है, वहाँ का रहता हूँ, मैं फेकू को और एक क्या नाम है कि एक तड़ी पार को वोट देना चाहता हूँ, वोट गया कि नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो EVM बैनोच, आप जितने भी विकसित देश, संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं संविधान में जगह दी गई है, है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा है संविधान, उसको इंटरप्रिटेशन कर, आप ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसके थोड़ी है, आप कहेंगे कि मोरनी जो होता है कि मोर के आंसू से पैदा होता है, तो एक कौन से प्रकार का, इसीलिए तो चाहते हैं कि यहाँ पर रिपेंटेटिव सिस्टम लागू हो, रिपेंटेटिव जुडिशियरी वी वांट, जहाँ पे सब कहोगे टैलेंटेड लोग जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे, तब तो न्याय करेंगे ना, आपको पता ही, आप बताइए, जज का भी जाति है, और जाति है तो जाति है भेदभाव होगा, जातीय मानसिकता होगा, जज किससे शादी करते हैं? अपनी जात में शादी करते हैं, अपनी जात में शासी करते हैं, अपने जात में बैठते उठते वो को कहे, तो उनके अंदर भी एक जाति जातीय स्वाभिमान हो सकता है, तो आपको यहाँ पे भी कम्युनिटी इंटरेस्ट होगा तो आरक्षण के खिलाफ दे देंगे जजमेंट। आजकल इतनी मतलब इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखते हैं तो जी बिल्कुल चेंज हो रहा है 2014 के बाद, कभी मूंस रखने पे मार दिया जाता है, कभी मटका छूने पे मार दिया जाता है जी। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, एक मुस्लिम बच्चे को पूरी क्लास ने, एक टीचर ने ऑर्डर दिया कि भाई ये मुस्लिम बच्चे हैं, हिंदू टीचर है वो,
इससे पहले ट्रेन में मारा, एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने एक आदिवासी को और अपने ऊपर वाला ऑफिसर एक मुस्लिम, तीनों को मार दिया। ये सोच से ग्रसित है, ये बीमारी से ग्रसित है, ये ब्राह्मणी काल जो वायरस है ना, ब्राह्मणी काल वायरस से ग्रसित लोग हैं, तो इसका इलाज होना चाहिए। मैं इसको दया आती है इस मानसिकता को। एलिसा यही है कि पूरे संविधान को लागू कराइए, आपको पढ़ाइए, मोरालिटी, मोरल साइंस पढ़ाइए, मोरल एजुकेशन दीजिए, इंसानियत पढ़ाइए, ह्यूमैनिटी पढ़ाइए, तब जाके बदलेगा ना, भाईचारा पड़ेगा। आप बताइए, घर में अगर माँ सिखा के फलाना मोहल्ले में मत जाना, फलाने गली में मत जाना, फलाना का बच्चा फलाना है, तो फलाना है, तो उसका मानसिकता क्या होगा? सर, पूरे संविधान को आप किस तरह से लागू कर पाइएगा? पूरे सारे चारे इंस्टीट्यूशन में, हर ईंट में, जहाँ जहाँ भी है गवर्नमेंट का, हमें वहाँ पर भागीदारी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, इवन कि मीडिया में भी, किसी भी मीडिया हाउस है जो पब्लिक टीआरपी लेता, किससे? पब्लिक से लेता है ना, तो उस पे भी हमें 100% वहाँ पे भी आरक्षण चाहिए। सर, अगर विवेक देवराय जो है कि संविधान बदलने की मांग किए हैं और कह रहे हैं कि दूसरा संविधान लागू किया जाए, तो कुछ सोच के किए कहे होंगे ना? नहीं, अपने पापा से प्रेरित बोला ना मैंने आपको, उसने कहीं ना कहीं ये उनसे केंद्रित है, उनको पता चल गया है, अभी फिलहाल यही संविधान होते हुए ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। सर, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसमें एक प्रोफेसर साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता तो मैं चमार होता और मैं जूते पॉलिश कर रहा होता, बड़ा आराम का काम है, लेकिन मैं प्रोफेसर बन गया हूँ पढ़ लिख कर। गलत चीजें पढ़ाने की, पढ़े लिखे तबके के लोग भी, यही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे जो बीमार लोग हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो नौकरी पैसे पे हैं, जो लोग संविधान से लाभान्वित हुए, वो लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी था। आप लोग सोशल मीडिया पे कहते ना फलाना अधिकारी के साथ हम सेल्फी, फलाना अधिकारी साहब फोटो उठाते, लेकिन उनके बच्चे कहाँ पर सड़क पे दिखते नहीं है, उनको कैडराइजेशन नहीं होता, वो आके सड़क पे आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते नहीं, कैडराइज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सात फेरा लेते हैं और उनका बच्चा छोटा भीम देखता है। तो जब तक इसका मास कैडराइजेशन नहीं होगा, एक सोशल, देखिए मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय इज ए टेम्पररी कंसेप्ट। मैं CM हूँ, मेरे राज्य में चाहता हूँ सामाजिक न्याय दूँ, तो ये टेम्पररी है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की, जहाँ ये जितने फोटो लगाया गया था सब लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि आपके जाति देखकर आपके ऊपर न्याय की जाएगी, आपके जाति सकल सूरत देख के आपके ऊपर न्याय करी जाएगी, यही तो था ना, जैसे जिस चीज से प्रेरित, इसी चीज से प्रेरित है, उसी चीज को लागू कराएंगे तब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे लागू होगा? यही से लागू होगा, तो उसी से प्रेरित, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मनुष्य संहिता को मानने वाले लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और बेमान तो वो लोग हैं जो संविधान से लाभान्वित होकर घर में बैठे हुए हैं।